मई महीने के सिर्फ 7 दिन ही बचे हुए हैं, लेकिन इन 7 दिनों में लगातार 4 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं। इसीलिए बैंक से जुड़े किसी भी काम की प्लानिंग आप कर रहे हैं तो आपको बैंक छुट्टी की लिस्ट जरूर चेक कर लेनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक इन 4 छुट्टियों का असर पूरे देश में नहीं होगा। आज गुरुवार को देश भर में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है और इसके चलते देश के ज्यादातर राज्यों में 23 मई को बैंक बंद रहने वाले हैं। अगर हम इन 4 दिनों की छुट्टियों की बात करें तो इसमें सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे का शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। तो किन किन राज्यों में बैंक बंद रहेंगे, क्यों बंद रहेंगे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो भारतीय रिजर्व यानी के आरबीआई के मुताबिक आज यानी कि 23 मई गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के दिन नई दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 24 मई यानी कि शुक्रवार की बात करें तो नजरुल जयंती पर त्रिपुरा और उड़ीसा में बैंक बंद रहने वाले हैं। 25 मई को शनिवार है और शनिवार को लोकसभा चुनाव के 6th फेज की भी वोटिंग होनी है और इसके अलावा ये 4th सैटरडे भी पड़ रहा है, इसीलिए बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। वहीं अगर हम बात करें अगले दिन की यानी कि 26 मई की, संडे है तो संडे के चलते देश भर में बैंक बंद रहेंगे। रविवार को हमेशा बैंक बंद रहते हैं लेकिन सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को भी बैंकों की छुट्टी रहती है। इस बार चुनाव के चलते बैंक कम ही दिन खोले गए हैं, यानी कि मई महीने में ठीक से 10 दिन भी बैंक नहीं खुले हैं। आजकल ज्यादातर बैंक संबंधी काम जो है ऑनलाइन हो जाते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आती, लेकिन कोई ऐसा काम जो आपको बैंक जाकर ही करना है, ऐसे वाले केसेस में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बैंक संबंधी सभी छुट्टियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। साल शुरू होने से पहले ही छुट्टियों का कैलेंडर आ जाता है। हालांकि अगर इलेक्शन से जुड़ी हुई छुट्टियां हैं या ऐसा कोई खास दिन है तो ऐसे होने पे संबंधित राज्यों में छुट्टी की जाती है। इसके लिए किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आजकल जैसा आपको बताया कि ऑनलाइन सारे काम हो जाते हैं, तो बैंकों की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ATM और इंटरनेट आप 24 घंटे में किसी भी वक्त आप इससे अपना काम करवा सकते हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।